चालाक बनाओ, लेकिन ज्यादा नहीं बनाओ क्योंकि चालाक ज्यादा बनने से फिर तो घाटा है। आइए एक मिनट की बात है, आ रहा है मेरे दिमाग में, मैं बताऊंगा आपको। एक राजा के दरबार में एक चोर आ गया, चोर, और राजा ने उस चोर को सजा सुना दी, बोला ऐसा करो इसकी नाक काट दो। चोर की नाक काट दी। अब जब चोर की नाक काटी तो चोर रोने लगा, और रोते रोते दिमाग में एक बात आई, अगर हम रोते रहे तो रोईवे से नाक हमारी जुड़ तो जाए ना। अब मेरी तो नाक कटी गई और दरबार में दो चार की और की नाक ना कटवा ली तो मेरू ना होना। चोर जो था ये रो रहा था, रोना बंद कर दिया, नाचने लगा, भगवान का नाम लेके पूरे दरबार में इधर से उधर भाग रहा है, नाच रहा है। अच्छा, लोग बड़े असमंजस में पड़ गए, बोले इसकी नाक काट दी है और रो नहीं रहा, ये तो नाच रहा है। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, भाई हाँ तुम नाच रहे हो? हाँ बिल्कुल। दर्द नहीं हो रहा? बोले दर्द नहीं हो रहा, लेकिन भगवान के दर्शन हो रहे। भगवान के दर्शन हो रहे? बोले हाँ। कहाँ है भगवान, हमें तो दिखते नहीं। बोले ऐसे थोड़ी दिखेंगे, फिर नाक काटो, ये सामने खड़े तो है। बाने सोची अगर नाक काटने से भगवान के दर्शन हो रहे तो हम ही काटे लेता है। और जैसे ही नाक काटी, अबे इधर उधर देखने लगे, दर्शन तो कहीं नहीं। वो चोर कहने लगा, बोले नाक तो कटी गई, कहीं उठो हमें दर्शन हो रहे ना, सब लोग तुम्हारी मजाक और बनाए। अब तो बेव कहीं उठे हमें दर्शन हो रहे, आधे रो जाए आधे हंस जाए। दरबार में एक दो ने नहीं, दो चार लोगों ने नाक काट ली, लेकिन पहले वाला जो चोर था वो सबके कान में जाके धीरे से एक ही बात कहता था, बोले कहीं उठो दर्शन हो रहे। हाँ, सब लोग मजाक बनाएंगे, सारी जिंदगी ऐसी चिढ़ाते रहेंगे। अच्छा, राजा बड़ो धर्मात्मा स्वभाव को रहे। राजा ने सोची, इतने ऋषि मुनि महात्मा हुए, हजारों वर्षों तक तपस्या किए, लेकिन फिर भी भगवान के दर्शन नहीं कर पाए। और नाक काटने से भगवान के अगर दर्शन हो रहे तो जहां से सरल उपाय और कहा है। राजा कहने लगा, मंत्री हाँ तलवार लेके आओ। क्यों? बोले मेरी नाक काटो। मंत्री कहने लगा, महाराज पागल हो गए क्या, नाक काटने से कहीं भगवान के दर्शन होते? बोले एक झूठ बोलता, दो झूठ बोलते, ये सबके सब झूठ बोलते, मेरी नाक काटो। मंत्री बड़ा चालाक था, कहने लगा, महाराज कोई बात नहीं, पहले हमें अपनी नाक काट के देख लेते, देखे दर्शन हो रहे या ना हो रहे। मंत्री ने जैसे ही नाक काटी, जो पहले वाला चोर था भाई सामने पहुंच गया और मंत्री की कान में धीरे से बोलो, बोले मंत्री साहब नाक तो कटी गई, कहे उठो हमें दर्शन हो रहे। मंत्री बोलो, महाराज जाने तो बिना मतलब में सबकी नाक कटवाई दी, दर्शन अर्शन कहीं नहीं हो रहे। राजा को क्रोध आ गया, उठा के फांसी लगवा दी। तो पहले तो नाक ही कटी थी, फिर जान से चले गए। मेरे कहने का मतलब ये, चालाक बनो लेकिन ज्यादा नहीं। जवाब दिया, तुम्हें नहीं मालूम है वो बालक बड़ा छलिया है, बड़ा